नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय, आज हम ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के यहाँ बैठे हैं कि जो हर क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय हैं। चार दशक से अधिक आपकी जो संस्था है पंचम, वो साहित्यिक गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय है, जिनका नाम रानी पौद्दार है। और आप साहित्य, संस्कृति, समाज, धर्म, पर्यावरण, विभिन्न क्षेत्रों में आप वर्षों से काम कर रही हैं, तो आज हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार। धन्यवाद आपने हमें समय दिया। तो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं जो आपकी पंचम संस्था है, वो उसकी गतिविधियां बहुत ही निरंतर चल रही हैं और बहुत ही प्रेरणादायी हैं। तो ये पंचम संस्था क्या है, कब शुरुआत हुई इसकी? पंचम संस्था हमने शुरू की 1980 में जी। उस समय हम लोग 5 महिलाओं ने मिलकर ये संस्था शुरू की, तो हमने इसका नाम पंचम रखा जी। और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। मैं हिंदी साहित्य का बहुत सम्मान करती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पंकज उदास नाइट हुई है, मुन्नी बेगम नाइट हुई है, मेदी हसन का भी प्रोग्राम हुआ है और ओम व्यास जी का भी प्रोग्राम हुआ है और नीना मेहता, राजेंद्र मेहता का प्रोग्राम हुआ है। ये सब हमारे फंड रेजर हैं, उनसे फंड्स आते थे, उनसे हमने बम्बई में 15 पीने के प्याऊ एक्वा गार्ड वाले लगाए ठंडी मशीन के साथ, इसलिए कि खाने के बिना एक बार इंसान जी लेता है 2-3 दिन, लेकिन पानी के बिना इंसान इतना असहाय हो जाता है, ये मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। एक बार मैंने देखा, मैं अपने घर से निकल रही थी, रास्ते में 2 बच्चे गड्ढे में से पानी निकाल के, उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था, निकाल के वो पी रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी बम्बई में कोई ऐसा नहीं जो इनकी प्यास को संभाल सके। मैंने बीड़ा उठाया और भगवान की दया से 15 प्याऊ मैंने खुलवाए, अच्छे से अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया, करुण श्रीवास्तव, DS सोमन, गोपीनाथ जी मुंडे और काफ़ी लोगों ने, गवर्नर साहब ने, लतीफ़ IS लतीफ़ गवर्नर साहब, उनकी बेगम बिल्किस लतीफ़। हमने इस पंचम संस्था के द्वारा कलीना में, धारावी में लाइब्रेरियां खोली बच्चों की पढ़ाई के लिए और खेलने के खिलौने। मिसेस लतीफ़ मुझे इसलिए और भी प्यार करती थी कि वो देखती थी आई एम टू डेडिकेटेड, मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ अपने कार्यों के प्रति। और मैंने बहुत सारा, अभी कोरोना काल में मुझे कोरोना योद्धा के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं सोचती हूँ कि आप लोग कितने अच्छे हैं जो मेरे हर कार्य की सराहना करके मुझे और आगे बढ़ाते हैं, उस काम में आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मैं जब भी सोचती हूँ कि अब मैं थोड़ा 2-3 साल रेस्ट करूँ, आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं, आपको रेस्ट नहीं लेना है। और मेरा स्टाफ भी कहता है आप देने के लिए बने हो, लेने के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं और क्या दे सकती हूँ समाज को, और क्या मैं करूँ जिससे कि लोग आनंदित रहें और मैं उनके लिए सब। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, मेरे यहाँ हर इंसान, मैं आश्चर्य करती हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर कैसे किसी को मिल जाता है। वो मुझे फ़ोन करेंगे और मुझे कहेंगे मैडम हमें आपकी ज़रूरत है, पता नहीं क्यों मैं उनको मना नहीं कर पाती हूँ। मेरे घर पे तो नहीं, पर मेरे ऑफिस में हर आदमी वेलकम है, हर एक का स्वागत है। मैं कोशिश ये करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में मैं आगे बढ़ूँ। जैसे आपने पर्यावरण की बात की, उस समय मैं 25 साल की होंगी जब मैंने सबसे पहला वृक्ष का रोपण किया हमारे घर में, और मैंने 5-7 वृक्ष लगाए जी। अभी जो नीम का चल रहा है वो मैंने मारवाड़ी महासभा के थ्रू राजस्थान में जगह जगह नीम का रोपण किया, ताकि नीम स्वास्थ्य के भी लिए बहुत लाभदायक है और
एक वृक्ष जब बड़ा होकर छांव देता है तो राहगीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। ये अभी मुंबई में साहित्य संगीत और संस्कृति और धर्म के लिए आप संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हैं और बहुत निरंतर आप काम करती हैं उसमें तन मन धन से जुड़कर कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो अभी 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है और धन्यवाद कि आपने हमारे उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आने की स्वीकृति दी। तो भाषा के प्रति आप निरंतर उसको समृद्ध करने के लिए बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यक्रम कर रही हैं 40 वर्षों से, इसके बारे में कुछ आप थोड़ा। मैं 40 वर्षों से हिंदी भाषा को इसलिए प्रोत्साहित करती हूँ कि हर महिला को ये सोचना चाहिए कि हम हिंदी बोलने में हमें गर्व होना चाहिए। इंग्लिश बोलना और उसके लिए किसी संस्था का अध्यक्ष बनने के लिए इंग्लिश के क्लासेस लेना, नहीं तो आप समझे जाएंगे कि भाई ये मतलब ठीक है नहीं। हमें हिंदी नहीं आए तो हमें शर्मानी चाहिए। इंग्लिश तो दूसरे की मातृभाषा है जो हमने अपनाया है, लेकिन मैं सोचती हूँ हमारी हिंदी भाषा इतनी सुगम, इतनी सुंदर और इतनी अच्छी है कि उसकी कविताएं आप सुनिए, उसके गीत आप सुनिए, यहाँ ही नहीं फॉरेन वाले भी उनको अपनाना चाहते हैं और हमारी धुनों पे वो अपने गाने बना लेते हैं। तो हमें तो अपने आप पे नाज है कि हम हिंदी भाषी हैं। माया गोविंद जी, ईला अरुण जी और सोमा घोष जी, ऐसे कई लोगों ने हिंदी के जब जब कार्यक्रम किए और मुझे बुलाया, मैं हमेशा उनके साथ जुड़ी और आज भी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि हिंदी के कार्यक्रम में नहीं जाना ये सबसे गलत बात है। जब आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, तो मैंने एक बार सोचा कि भाई इतनी दूर जाऊं या नहीं। फिर मेरी आत्मा ने मुझे कहा ये हिंदी भाषी लोग हैं, मुझे जाना ही चाहिए। और उसी उत्साह से फिर मैंने आपकी ये इनविटेशन को मैंने एक्सेप्ट किया। ये मुंबई पूरा, जहाँ आप रहती हैं, जहाँ आपका ऑफिस है, पूरा अंग्रेजी वाला कल्चर है यहाँ पर। उसके बाद भी आप यहाँ पर हिंदी का आयोजन करती हैं और लोग श्रोता भी खूब आते हैं उसमें, वाई वाई करते हैं, काफ़ी लोगों को आपने जोड़ रखा है हिंदी के लिए। जैसे अनूप जी जलोटा जी, आप अनूप जलोटा को लेंगे तो उनके पिताजी मेरे टीचर होते थे और अनूप जी मुझे गज़लें सिखाते थे। अच्छा। दोनों मेरे टीचर थे और पुरुषोत्तम जी ने अनूप से कहा, देखो अनूप ये मेरी शिष्या है, तुम सिखाना तो ये ऐसी कलाकार बन के उभरें कि लोग वाह वाह कर उठें। और आज यही है, मैं कई भजन ग्रुप में भी हूँ। मैं हिंदी भाषी हर एक चीज़ को अपनाना चाहती हूँ और उन लोगों को मदद करना चाहती हूँ। ऐसे ऐसे कवि मेरे पास आए जिनको प्रोग्राम नहीं मिलते हैं, जिनको प्रोग्राम मिलते हैं वो अनाप शनाप पैसा मांगते हैं। हिंदी भाषा के प्रोग्राम में मैं जिनको बुलाती हूँ मैं खुद पे करती हूँ। कभी किसी से मैंने मदद नहीं मांगी बम्बई में कि मुझे ये कार्यक्रम करना है, और बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं, एक दो नहीं दसियों कार्यक्रम हर साल होता है हिंदी का एक कार्यक्रम। और फूलों का, जैसे फूलों की होली हमने की तो मथुरा जी से हमने टोली बुलाई। तो हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो कोई ना कर सके और कोई देखने को तरसे जिनको। ऐसे कई लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं जिनकी पुस्तकें तैयार थी लेकिन निकल नहीं पा रही, प्रकाशित नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब उन्हें लोगों ने सलाह दी कि आप माया रानी जी से मिलिए तो आपकी पुस्तक जो आपने लिखी है वो दस्तावेज पुस्तक के रूप में आ जाएगा। ऐसे कई लेखकों के बारे में सुनने कि आपने उनको मदद की और उनकी पुस्तकें आई, इसके बारे में। उनमें से एक नौटियाल जी का बेटा है जी, नंद किशोर नौटियाल, काफ़ी नोन आदमी है जी। उसने जब जब भी मेरी मदद चाही राजीव ने, मैंने उसको हेल्प की है जी। और नवभारत से सुधा जी श्रीमाली ने जी हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, सचिन जी त्रिपाठी ने, क्योंकि ये लोग हिंदी भाषी हैं जी। तो हिंदी भाषा का कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये लोग आगे बढ़ के करते हैं। अनूप जलोटा या कवित्री माया गोविंद, या आपने जैसे कहा कई लेखक ऐसे हैं जिनकी पुस्तकें नहीं निकलती, तो मैंने दो दो साल के लिए उनको एडॉप्ट किया। जैसे दमखम एक पत्रिका मनोज चौहान,
वो पत्रिका मैंने 5 साल तक एडॉप्ट की, क्योंकि मैंने उनसे सुना कि एक हिंदी भाषी इंसान को खाने की भी प्रॉब्लम है, खाना ही नहीं, पानी नहीं नसीब होता लोगों को। ऐसी ऐसी करुण कथाएं मैं सुनती हूँ कि मेरा दिल कहता है मुझे उनके साथ जुड़ना ही चाहिए और उनकी पुस्तक मार्केट में आनी चाहिए। ऐसे मैंने काफ़ी रामलीला में ऐसे कई काफ़ी लोगों को मैंने सहारा दिया, मैंने क्या ईश्वर ने करवाया, और मैंने उनका एक वो बन के कि जैसे भगवान किसी को कहते हैं भाई तुम जाओ ये काम करके आना है, मैं वही समझ के समाज का काम करती। तो ये इतनी ऊर्जा और शक्ति, क्योंकि आप व्यापार भी देखती हैं, आज आपके ऑफिस में बैठे हैं, इतना कॉरपोरेट ऑफिस है आपका, साहित्य संस्कृति धर्म परिवार समाज सेवा ये सब एक साथ करने की शक्ति और ऊर्जा कैसे? ये तो साईं बाबा से पूछे हम सीढ़ी चल के, वो बेहतर बताएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर उनका हाथ हर समय रहता है। और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने सीताराम पोदार बालिका विद्यालय, घनश्याम दास जी पोदार हाई स्कूल और नाथूराम धर्मशाला जहाँ लोगों को फ्री रहने का दिया जाता है, ऐसी चीज़ें वो कर गए हैं कि हम उनको फॉलो भी कर लें तो बहुत है। और हमारे तो काफ़ी लोगों से बड़े, हमको बहुत प्रोत्साहित किया लोगों ने हमारे कार्यक्रमों को और हमें बढ़ावा दिया। उनमें एक नाम लतीफ़ साहब और मिसेस लतीफ़ का भी है, और जो अभी के गवर्नर हैं वो भी बहुत ख़ास इंसान है। मतलब उन्होंने जब मुझे कोरोना योद्धा अवार्ड दिया तो उन्होंने एक ही लाइन कही, यू डिज़र्व इट। तो मैं ये सोचती हूँ कि समाज के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो दिखावा नहीं होना चाहिए। आपकी आत्मा से अगर शब्द निकलता है हाँ ये मुझे करना है, तो फिर वो धारावी हो या कलीना। मैं हर जगह खुद जाके मैंने ये खाना बांटा है, छतरियाँ किड्स बहुत कुछ किया, इस बारिश में भी सब जगह वार्ड्स में भी जाके बांटा है। तो लोग कई बार कहते हैं भाभी जो काम पैसे से हो सकता है आप चले जाते हो, मैं उनको कहती हूँ मैं ये देखना चाहती हूँ उनकी क्या खुशी है, उसको महसूस करना चाहती हूँ कि जिनके साथ मैंने ऐसा किया है उनको आनंद मिला या नहीं, वो मुझे ट्रॉफी देते हैं या नहीं देते, मुझे उससे लेना देना नहीं। हमेशा वो लोग सम्मानित करते हैं, पर ये मेरी फीलिंग है चैरिटी वो होती है जहाँ खुद उपस्थित हो। क्या है कि कोरोना काल में तो जवान व्यक्ति भी बाहर नहीं निकल रहे थे, और आपकी सीनियर सिटीजन होने के बाद भी आप जिस सक्रियता से तन मन धन से जो सेवा कर रही थी, इसीलिए आपको कोरोना का जो अवार्ड मिला है। तो महिलाएं ये कह रही थी, पुरुष भी ये कह रहे थे, रानी पोद्दार जी से सीखिए, वहाँ से देखिए कितनी शक्ति, अगर भीतर से इंसान शक्तिशाली है तो कोई कोरोना वराना नहीं। और देखिए आपने इतनी सेवा की और आज उसका परिणाम कि लोग कह रहे हैं कि आप जैसी ही आने वाली पीढ़ी को, बच्चियों को, ये इतनी ऊर्जा और इतना हिम्मत से काम करना चाहिए कि सेवा मतलब सेवा। इसमें ऐसा होता है कई बार परिवार के लोग नाखुश हो जाते हैं जी, क्योंकि वो कहते हैं भाई आपको नहीं जाना चाहिए 60 के ऊपर। मैं वैसे भी मुझे कोई हर्जा नहीं बताने में, मैं 63 की हूँ जी, जी। इस 26 जनवरी को 64 लग जाएगा, तो कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है। मैं सोचती हूँ मुझे और भी आगे चलना, काम करने वाली उम्र होती है, कोई उम्र नहीं होती। अगर मैं 70-80 की भी हो जाऊँगी, भगवान से प्रार्थना है कि मुझे और नहीं जीना है। मैंने बहुत बहुत प्यारा नाम पूरे बंबई में फैला रखा है, तो उस जगह उस बाहर तक भी है, देश विदेश में भी, देश विदेश में भी है। राजस्थान में तो मुझे मेरे फादर इन लॉ ठाकर थे, तो हमारा गांव में बहुत बड़ा नाम है बिसाऊ में, जो झुंझुनू के और चूरू के पास है। तो हम, मेरा बिलीव है अगर आप आत्मा से अच्छे हैं और आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, तो शक्ति अपने आप डायरेक्ट ऊपर से आती है जी। आपको शक्ति के लिए हैरान होने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि हर समय एक जैसा रहता है, कभी कभी आप बीमार भी होते हैं। और मैं तो बीमारी में भी थाना गई एक बार जी, चैरिटी करने, तो मतलब उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया मैं सोच भी नहीं सकती। उन्होंने कहा आप इस हालत में भी आए हैं तो ऐसी सेवा बंबई में कोई महिला नहीं कर सकती। ये पंचम की गतिविधियां साल में कितनी होती हैं और क्या होता है? हर महीने हम एक चैरिटी करते हैं, क्या होता है उसमें? और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। अच्छा। जैसे कि सावन की तीजें,
हरियाली तीज जी, फिर वृंदावन की क्या बात, विविध रंगी कार्यक्रम वृंदावन के कार्यक्रम जी, फिर स्वामी जी जो इस्कॉन के स्वामी जी लोग हैं जी, उनकी टॉक रखती हूँ और फेलोशिप ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप, फिर ये अपना रेड क्रॉस उसकी कमेटी पे हूँ मैं रेड क्रॉस की, तो मैं जहाँ भी हूँ वो लोग मुझे ये सोच के रखते हैं कि रानी जी को हमारे लिए कुछ करना है और मैं रियली करना चाहती हूँ दिल से। पंचम में और जो चार साथी हैं वो भी मुंबई के हैं? सब मुंबई की स्त्रियां हैं। अच्छा। और हम सब मुंबई में ही काम करते हैं, सब अच्छे घरानों की महिलाएं हैं और मैं बड़ा आनंद और फख्र महसूस करती हूँ कि इतने बड़े बड़े घरों की औरतें हमसे जुड़ी हुई हैं। उनके घर में भी कहा जाता है सीखना है तो रानी भाभी से सीखो जी। तो मुझे ये लगता है कि मुझे और अच्छा होना है, क्योंकि somebody कोई है ऐसा जो ये चाहता है कि मेरे जैसा बने, तो मुझे कुछ तो बनना ही चाहिए ना, तभी आप चाहेंगे और तभी किसी ने आपको कहा तो आप मुझसे मिलने आए। नहीं, आपके बारे में बहुत सुना है, पढ़ा है, बहुत सुना है। और मैंने काफी ओम जी व्यास और काफी लोगों को बढ़ावा दिया है। ओम जी तो खुद ही एक बहुत बड़े सिंगर हैं और आपकी सोमा जी एकदम मेरे घरेलू संबंध हो गए उनसे, कार्यक्रम बहुत किए हैं उनके मैंने पंचम में। और मैं हर महीने की जो चैरिटी करती हूँ तो सहला बालवाड़ी और हमारी धर्मशाला में जी, और बच्चों के लिए फ्री फूड इसमें इस्कॉन में मिड डे मील जी, जी, उनके लिए हमने वैन भी डोनेट की है जी, जी, कि जिससे उनका खाना लाया ले जाया जा सके आराम से। और इस्कॉन से मेरा काफ़ी संबंध है और मैं बांके बिहारी जी की भक्त हूँ और साईं बाबा ही मेरे गुरु हैं। अगर कोई को गुरु बनाने का मन करे तो बाबा से बड़ा कोई गुरु नहीं है संसार में। धन्यवाद रानी जी, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे रानी पोद्दार जी को और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस में आपके वक्तव्य और विस्तार से आपको सुनने में को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।